हेलो गाइस, मैं सुहाना दिल्ली से। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जाफरी के प्लांट है और देखिए मरून कलर की जाफरी है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था, तो आज इसके हम सीड लगाना ग्रो करना दिखाएंगे। तो गाइस देखिए, मैं आपको सीड लगाना दिखाती हूँ। ये एक छोटा सा पॉट है, इसमें पहले से ही मिट्टी है और मेरी ये मिट्टी बड़ी अच्छी सॉफ्ट मिट्टी है, सीड लगाने के लिए बड़ी अच्छी रहेगी। इसमें सब कुछ मिला हुआ खाद वाद, तो मैं खा लेता तो मैंने सोचा इसी में ही करके आपको दिखा देती हूँ। एक मिनट, ये हो गया, इसको थोड़ा सा लूज़ कर लिया। भुरभुरी मिट्टी है, देखिए सीड्स के लिए भुरभुरी मिट्टी अच्छी होती है। और गाइस, ये मेरे जाफरी के सीड्स है, ये देखिए। ये तो मैंने और भी उतारे थे, थोड़ा बारिश में वो ख़राब हो गए, भारी पड़े रह गए। ये अब मैंने दूसरे वाले मतलब लेके आई हूँ। कुछ ताजी फूल है इसमें और थोड़े वो है। तो इसमें वैसे ये जो जाफरी होती है, इसका पौधा मतलब छोटा ही रहता है और इसमें बहुत फूल आते हैं। और गाइस, इसमें छोटे से ही पौधे में फूल आ जाते हैं और इसके कई कलर होते हैं। ऑरेंज होता है, येलो होता है, वो येलो होता है, मरूम होता है और डबल शेडिड होता है। जैसे कि ये भी ये डबल शेडिड है, देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए इसके कई वैरायटी होती है। तो गाइस अब देखिए, मैं इसके सीड्स निकालती हूँ। ये तो सभी को पता है कि गेंदा बड़ा ईजी ग्रो करना, ईजी से ग्रो हो जाता है। ये देखिए, ये थोड़े अभी कच्चे हैं, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएंगे, ये इसमें कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है। गेंदा तो आप कैसे भी ग्रो कर दो, ये हो जाता है। एक सेकंड गाइस, ये देखिए, ये देखिए, ये इसके सीड्स होते हैं, ये वाले, ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं आप, इसके सीड्स होते हैं ये। इसको तोड़ के इसमें ऐसे कर दीजिए। और गाइस, इसका एक तरीका ये भी है कि इसका ना ये पूरी की पूरी ऐसे करके आप ऐसे भी इसको ऐसे भी दबा सकते हैं मिट्टी में, तो ये इसको ये भी ग्रो हो जाएगा। ये बहुत इजी है ग्रो करना, इसको ऐसे दबा दिया फूल को लेके, और आप तोड़ के भी इसको मतलब कर सकते हैं। ये तो कच्चा है, ये नहीं होएगा, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया। और जो ये पेटल होती है ना, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये खाद बन के इसी में ही मतलब खाद बन जाएगी इसकी। ये तो ख़राब ही हो गया बारिश से, ये देखिए। ये ऐसे कर दिया, ये सारे डाल दिए जितने भी है। अभी मेरे प्लांट में ना फ्लावर अभी मतलब अच्छा वो फ्रेश है, अभी जब वो सूखेंगे फिर उसके सीड बनेंगे, तो मैं दोबारा ग्रो करूँगी उसको। अभी इतने ही थे मेरे पास, तो मैंने इतने ही ग्रो कर दिए, तो मैंने सारे डाल दिए इसी में, जो निकलना होगा निकल जाएगा। तो देखिए, मैंने सारे सीड्स इसमें डाल दिए हैं और अब इस पे थोड़ा थोड़ा हम मिट्टी डालेंगे। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए थोड़ा, बस ये दो तीन दिन में अब ये ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। और अब इसमें हम पानी दे देंगे, ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी दे दीजिए इसमें। बहुत ईजी है ये ग्रो करना। तो गाइस, मुझे तो ये जाफरी के प्लांट बहुत पसंद है, थोड़ा ये, और अब मौसम भी अच्छा हो गया है और इसमें फूल और अच्छे आएंगे। जो जाफरी ये गेंदे के मतलब गेंदे के प्लांट है ना, ये सदाबहार होते हैं, बस मई जून में इसका थोड़ा ग्रोथ रुक जाती है, बाकी ये सदाबहार है, सारे मौसम मतलब सारे महीने में ये ग्रो हो जाता है। और गाइस, ये हमारा सीड लग गया है, अब मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ।
तो देखिए गाइस, ये मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। इसमें मैंने जाफरी के सीड्स ग्रो किए थे। ये देखिए, इसमें प्लांट बड़े बड़े हो गए। अब मैं इसको आपको ट्रांसप्लांट करना बताऊंगी। ये देखिए, और गाइस गौर से देखिए, इसमें ना कली भी आ गई। ये देखिए, बीच बीच में छोटे से ही प्लांट में कली आ गई। ये देखिए, आप देख रहे हैं, देखिए। तो अब इसको मैं यहाँ से निकाल के और पोट में आपको ट्रांसप्लांट करना दिखाऊंगी। तो इसको हम निकाल लेते हैं पहले। ये गाइस मेरे को 20-25 दिन हो गए, और देखिए 20-25 दिन में कितने बड़े बड़े प्लांट हो गए। ये देखिए, इसकी आप रूट देखिए, आधी आधी रूट से ना इसकी टूट गई। देखिए, ये मैंने ऐसी फूल तोड़ के और ऐसी मिट्टी में दबा दिया था। तो देखिए, काफ़ी सारे प्लांट हो गए। तो मैं आपको दूसरे वाले गमले में इसको ग्रो करके दिखाती हूँ। इसकी मिट्टी बहुत भुरभुरी है, ऐसी आप हाथ से भी ना देखो, मैं आपको ऐसे ही देखो कितनी भुरभुरी मिट्टी है। बढ़िया, चलिए मैंने ये निकाल लिया। अब मैं आपको इसको प्लांट में लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने गमला रेडी कर रखा है, देखिए, और इसमें सारा कुछ मतलब खाद मिला रखी है मैंने। अब मैं इसी में ही लगा देती हूँ। मेरे पास बस 3 पॉट है जो खाली पड़े, तो मैं 3 में ही एडजस्ट कर देती हूँ। तो पहले तो मैं देखती हूँ कितने प्लांट निकले। मेरा पूरा का पूरा फूल है ना ऐसे ही दबा दिया था। ये एक हो गया, ये 2, ये देखिए गाइस, ये 20-25 दिन में फूल भी देने लगेगा, 10-15 दिन में। इसको आप ऐसे धीरे से अलग कर लीजिए। ये देखिए, 3 प्लांट तो ये हो गए। अभी हम इनको अलग अलग कर लेते, उसके बाद लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने सब अलग अलग कर लिए। इनकी रूट देखिए आप कितनी बढ़िया निकली है। तो गाइस, इनको पहले हम गिन ले, फिर उसी हिसाब से इनको एडजस्ट करेंगे। तो ये 3 हो गए इधर, 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ये 15 प्लांट है हमारे। अब इनको हम लगाते हैं। ये देखिए, ऐसे गड्ढा करा उंगली से और बस आराम से इसको इसमें रख दिया। एक मिनट, ये थोड़ा बड़ा है ना, इसमें मिट्टी भी है। ये देखिए, धीरे से आराम से इसको पुश कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरा लगाएंगे। गाइज, आपको ना पीछे से हमारे आवाज़ आ रही होगी नेबर की, तो आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे। बस अब थोड़े दिन की और सर्दी है, फरवरी का मौसम अच्छा हो जाएगा, तो फूल बहुत अच्छे खिलेंगे। ये गाइज देखिए, आप लग गए हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ जब ये सारे लग जाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे दीजिए, ठीक है। ये देखिए, तो मैं आपसे थोड़ी देर में फिर मिलती हूँ सारे लगा के। तो गाइस देखिए, जैसा कि ये सब लग चुके हैं, अब आप देख सकते हैं, और ये अब थोड़े ही दिन में बड़े हो जाएंगे। थोड़ा इनको 2-3 दिन सेट होने के बाद आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, और
और फिर 20-25 दिन में ये प्लांट बड़े होने के बाद फिर इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। जब इसमें फूल आएंगे तो मैं आपसे वीडियो में दोबारा शेयर करूँगी। ये थोड़ा थोड़ा इनमें पानी दे दीजिए ऐसे करके, ये देखिए। तो गाइस ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।